हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो स्टार्ट करा था। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके फॉर्मूला की बात करी थी, एक बार एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं ताकि हमको न्यूमेरिकल में थोड़ी आसानी हो जाए। सो लास्ट वीडियो की बात करें, हमने पढ़ा था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल, यही पढ़ा था। फर्दर अगर हमको आंसर परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100 कर सकते हैं। फर्दर हमने बात करी थी ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस का सिचुएशन है तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस हो जाएगा, यही हमने पढ़ा था। ये आ गए थे कॉन्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूलाज। अगर हमको सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दिया है तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, अगर फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दिया है तो कॉन्ट्रीब्यूशन को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इधर डालेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 करेंगे तो हमको पीवी रेशियो मिल जाएगी, यही पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में। चलो एक फाइनली एक छोटा सा रीकैप ले लिया। अब लेट्स रीड आर इलस्ट्रेशन। आज का क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारी सेल्स जो है वो 1 लाख रुपीज है, हमारा प्रॉफिट जो है वो 10,000 रुपीज है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट 70% है। फर्दर कह रहा है फाइंड आउट हमको क्या करना है, पहले पार्ट में पीवी रेशियो, सेकेंड में फिक्स्ड कॉस्ट और थर्ड में कह रहा है सेल्स वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। सो स्टार्ट करें तो पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है पीवी रेशियो। हमको पता है अगर हमको पीवी रेशियो चाहिए, पीवी रेशियो के लिए दो चीजें चाहिए होती है, कंट्रीब्यूशन और सेल्स, है ना। कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास नहीं है, दैट मीन्स ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन सेल्स हमारे पास गिवन है। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें जिसमें हमको पीवी रेशियो फाइंड आउट करना है, इसमें हमारे पास सेल्स हो गई 1 लाख रुपीज, ठीक है। फर्दर हमको अब कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि पीवी रेशियो में दो ही एलिमेंट्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स। सेल्स हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, कंट्रीब्यूशन हमको फाइंड आउट करना है। कंट्रीब्यूशन के लिए हमको पता है दो फॉर्मूलाज हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सिंस हमारे पास इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट की कोई जानकारी नहीं है, दैट मीन्स हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स भी गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है। तब हम यहां पे फॉर्मूला यूज कर देंगे कॉन्ट्रीब्यूशन का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मैम लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो दिया ही नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दिया है, हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट दिया है 70%, किसका? हमेशा ये कैलकुलेट होगा सेल्स का। तो 70% हमने सेल्स का कैलकुलेट किया, 70% ऑफ 1 लाख, ये आ गया 70,000। 70,000 क्या आया? हमारा वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये 70% था, हमने इसको 1 लाख पे कैलकुलेट किया, हमारे पास आ गया 70,000, ये आ गया हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। अब हम कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स। सेल्स था हमारे पास 1 लाख जो गिवन था, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमारे पास 1 लाख रुपीज था, वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने 70% 1 लाख का निकाला और हमारे पास आया 70,000। यहां से हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 30,000, सही है। अब हमारे पास जब कंट्रीब्यूशन है, हमारे पास सेल्स है, हमारी पीवी रेशियो निकल जाएगी। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन था हमारा 30,000 अपॉन सेल्स था हमारा 1 लाख रुपीज इंटू 100। ये तीन जीरो कट हुए, ये दो जीरो कट हुए, यहां पे हमारे पास आ गया 30% हमारा आंसर। हमारा पीवी रेशियो आ गया 30%, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पीवी रेशियो एक रिवाइंड कर लेते हैं, पीवी रेशियो के लिए कंट्रीब्यूशन और सेल्स चाहिए थी, सेल्स हमारे पास गिवन थी, कंट्रीब्यूशन चाहिए था, कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूलाज थे, लेकिन हमको सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट सिंस दोनों दिए हुए थे तो हमने कंट्रीब्यूशन का ये वाला फॉर्मूला यूज किया। फर्दर वेरिएबल कॉस्ट 70% था, ये हमने कैलकुलेट किया सेल्स पे। हमारे पास जब वेरिएबल कॉस्ट आ गया, हमने कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करा एंड फर्दर फॉर्मूला में डाल के पीवी रेशियो फाइंड कर दिया और हमारा पहला आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट की बात करें, उसमें हमको फाइंड आउट करना है फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
हमने बात करी थी कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा फॉर्मूला में हमने बात करी थी कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। अगर हम इसको इक्वेशन वन माने और इसको इक्वेशन टू माने, ठीक है, सिंस कॉन्ट्रीब्यूशन इसके बराबर है और सिंस कॉन्ट्रीब्यूशन इसके भी बराबर है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। क्या मैं कह सकती हूं सेल्स सेकेंड पार्ट में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट? अगर यार सिंपल रीजन है, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन इसके बराबर है एंड फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन इसके भी बराबर है, दैट मीन्स ये दोनों बराबर है, है ना। तो मैंने लिखा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यहां से इन दो इक्वेशन से ले आए। अब देखो सिंस सेल्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास गिवन है, प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, चार में से तीन चीजें अगर हमारे पास गिवन है तो क्या हम चौथी चीज निकाल सकते हैं? हाँ जी, लेट सब्स्टिट्यूट। सेल्स है हमारे पास 1 लाख रुपीज माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने 70,000 निकाली थी, है ना, 70% निकाला था, 1 लाख का 70,000 आया था, इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, वो तो हमको निकालनी है, प्लस प्रॉफिट, यही होगा। यहां से आ जाएगा 30,000 इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 10,000, फिक्स्ड कॉस्ट फर्दर आ जाएगी हमारे पास, ये इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20,000 रुपीज। That means इस formula में अगर हमारे पास कोई तीन चीजें given होंगी हम चौथी चीज find out कर सकते हैं। सिर्फ fixed cost नहीं, अगर fixed cost given होती और कोई इन चारों में से कोई भी एक चीज given नहीं होती हम find out कर सकते थे, therefore ये formula हम याद रखेंगे। Sales minus variable cost is equals to fixed cost plus प्रॉफिट, इससे हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सो फिलहाल क्वेश्चन की बात करें, हमने पीवी रेशियो भी फाइंड आउट कर दिया है, हमने फिक्स्ड कॉस्ट भी फाइंड आउट कर दिया है। थर्ड पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सेल्स वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 रुपीज, कितनी सेल्स होनी चाहिए ताकि हम 40,000 रुपीज कमा पाए एज प्रॉफिट। सो अगर बात करें, अगर हमको कैलकुलेट करना हो टू कैलकुलेट सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अर्न अ गिवन प्रॉफिट, जब हमको क्या कैलकुलेट करना हो कि भाई कितनी सेल्स होनी चाहिए कि हमको इतना प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाए कितनी सेल्स होनी चाहिए कि हमको 40,000 रुपए प्रॉफिट हो जाए, उस सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? चलो पीवी रेशियो की हेल्प लेते हैं। हमको पता है पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, हमको पता है। फर्दर बात करें तो पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू, अब हमको पता है कॉन्ट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूलाज हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस का सिचुएशन है तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। मैंने इधर लिखा पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। मैम एक चीज बताओ, जब हमारे पास ये दो फॉर्मूलास थे आपने ये वाला ही क्यों लिया, पार्शियलिटी क्यों की? तो अगर हम बात करें, हमको क्वेश्चन में अपने आंसर को फाइंड आउट करने के लिए सेल्स वॉल्यूम चाहिए जब हमको प्रॉफिट गिवन है, दैट मींस इस अगर हम इसको यूज करेंगे, प्रॉफिट गिवन था तभी मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, अगर इस फॉर्मूला में प्रॉफिट होता तो मैं इसको यूज कर लेती, सिंपल लॉजिक, देयरफॉर मैंने इस फॉर्मूला को यूज किया। फर्दर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो सेल्स आ गया यहां पे इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है, यहां से हमारा सेल्स वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा जब हमको गिवन प्रॉफिट, जब हमको प्रॉफिट गिवन हो। बात समझ आई हमने ये फॉर्मूला कैसे लाया, ठीक है। फर्दर बात करें, अब हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं
तो सेल्स अगर हमको निकालनी है तो आएगा फिक्स्ड कॉस्ट. अभी हमने सेकेंड पार्ट में अपनी फिक्स्ड कॉस्ट निकाली थी, देख के बताओ कितनी थी, 20,000 प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट था हमारे पास दिया हुआ है 40,000 क्वेश्चन में, अपॉन पीवी रेशियो. पीवी रेशियो आई थी 30%, याद रखना पीवी रेशियो 30%, दैट मीन्स ये आ गया 60,000 अपॉन 30%, ये इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, ये जीरो से जीरो गया, 3 2s are 6, 1 2 3, तो यहां पे आ जाएगा 2 3 0 2 0, और ये आ गया 2 lakh rupees. आई गेस ये फ्रेम में नहीं आ रहा, तो हमारी सेल्स आ गई 2 lakh rupees. 2 lakh rupees हमको सेल्स करनी है अगर हमको प्रॉफिट 40,000 rupees चाहिए. आई होप यू गेन्ड समथिंग आउट ऑफ दिस न्यूमेरिकल. हमने पीवी रेशियो फाइंड आउट करा, फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करा, और फर्दर हमने बात करी कितनी सेल्स वॉल्यूम हमको करनी है ताकि हमको एक गिवन प्रॉफिट जो गिवन है वो हम निकाल सकते हैं. सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट. थैंक यू सो मच.